भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दे रहा है कि इटावा में शेर रह रहे हैं, वो लाइन सफारी नहीं खोल पा रहे, एनिमल सफारी नहीं खोल पा रहे, और वहां के अंदर का पूरा इंतजाम बर्बाद हो गया। ये जो स्टेडियम बड़े बड़े बने थे, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रहे कि स्टेडियम भी अच्छे होने चाहिए। एक्सप्रेस वे जितना बना उतना ही है, वो बुंदेलखंड का सपना दिखा रहे थे, वो कब बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग? इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग विकास पे बहस नहीं करेंगे, नौकरी पे बहस नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। रोजगार पे आपने नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी कभी आए और टीवी चैनलों पर पैनलों पे कहे कि हम इतने रोजगार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 6 तारीख को इटावा आ रहे हैं, कोई हमारा ही काम होगा उसका उद्घाटन कर देंगे? उनके पास कोई अपना काम नहीं इटावा। मैं तो इटावा वालों से कहूंगा कम से कम देख लेना मुख्यमंत्री जी से, और ये सवाल जरूर उनसे पूछना कि आपने इटावा के लिए क्या विशेष काम किया। यही PGI या ये जो सैफी यूनिवर्सिटी बनी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी का सब बजट काट लिया, यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा था वो नहीं अब बन पा रहा है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर बनने थे वो अभी तक नहीं बन पाए, यहाँ जो सड़कें बननी थी वो आधी अधूरी पड़ी हुई है। क्या चंबल का पुल नहीं बनना चाहिए नया? क्या वो सड़कें चौड़ी ना हो जाए चंबल यमुना के बीच में? जितनी समाजवादी सरकार में चौड़ी सड़क हुई है यमुना तक, उसके आगे भारतीय जनता पार्टी सड़क चौड़ी नहीं कर पाई। तो शायद हो सकता है जो सड़क चौड़ी नहीं हुई है उसको देखने आए मुख्यमंत्री जी, जो जर्जर पुल हो गया है चंबल का, हो सकता है उसका भी निरीक्षण करने आए, और जो शेर समाजवादी सरकार में यहाँ पैदा हुए हैं हो सकता है शेरों से भी मिलने जाए। और मैं तो आपसे कहूंगा कम से कम अगर शेर से न मिले तो मुख्यमंत्री जी कम से कम भालुओं का हालचाल ले ले। भाजपा कई विधायक आपकी पार्टी में शामिल हुए, कल आपके एक विधायक भी BJP में गए। अब देखिए ये जो विधायक गए हैं उनका स्टेटमेंट सुनिए, उन्होंने कहा कि हमारे पिता की हत्या हुई, भाई की हत्या हुई और कानून व्यवस्था पर ही घेर लिया सरकार। तो सोचो किस मजबूरी में गए ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात उन्होंने अच्छी कही कि सरकार को कानून व्यवस्था पर घेर लिया उन्होंने। जिस तरह से लखनऊ में